वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे भिवंडी में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक किन्नर को कमरे में बंद करके दो लोगों ने पहले उसके साथ जमकर मारपीट की है, फिर उसके साथ अनैतिक अत्याचार यानी कि रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना 6 जनवरी को हुई है। भिवंडी इलाके में रहने वाली एक किन्नर घर से दुकान गई थी और उसी समय इलाके में रहने वाले दो लोगों ने उसे बुलाया और कुछ काम है का बहाना बनाकर उसे एक कमरे में ले गए और उसे जबरन दारू पिलाने की कोशिश की। आरोपों के मुताबिक जब किन्नर ने शराब नहीं पी तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे पीटा गया। यही नहीं, उसके साथ लैंगिक शोषण भी किया गया और जाते जाते धमकी भी दी गई कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी तो जान से मार दिया जाएगा। इस मामले में शांति नगर पुलिस स्टेशन में किन्नर ने FIR दर्ज कराई है। 377, 324, 342, 506 IPC की धारा 34 के तहत FIR दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। रात्रि 11:30 ते 4 वाजेपर्यंत एक तृतीयपंथी आहे आमच्या हद्दीत गायत्री नगर परिसरात, तर त्याच्यावर हे दोन आरोपितांनी एका रूममध्ये बंद करून त्याच्यावर अनैसर्गिक संभोग केलेला आहे त्याच्यावर आणि त्याला पट्ट्याने मारहाण पण केलेली आहे। आणि त्या संदर्भात शांतीनगर पोलीस स्टेशन भिवंडी येथे 15/2023 हा गुन्हा रजिस्टर आहे। कलमा आहेत 377, 324, 342, 506, 34 बाधवी या अनुभवी गुन्हा दाखल आहे। आम्ही आरोपीचा शोध घेत आहोत, लवकरच आरोपी आम्ही पकडू आणि त्यांच्याविरुद्ध जे काय कायदेशीर प्रक्रिया राबवून त्यांच्याविरुद्ध पुरावा गोळा करून त्यांना ते प्रॉसिक्यूट होतील या पद्धतीने आम्ही तपास करत आहोत आणि त्या पद्धतीने त्यांच्यावर यातील बळीताला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत।